If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. सोटूडेंट दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रिलेटेड टू सी एन काउंसलिंग और NITs के काउंसलिंग तो कल जो वीडियो छोड़ा था वहाँ पर मैं डिस्कस किया था रैंक वर्सेस एन आई आई टीज़ तो दैट मीन्स कौन सा पर्टिकुलर रैंक का रेंज पे कौन कौन IITs मिल सकता है इसके बारे में डिस्कस किया था यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा रैंक वर्सेस NITs. तो so, NITs में टीज मीन यहाँ पर भी एन आई है एस है, uh, IIST आई टी आई एंड एन ओके तो ये सारे institute का एडमिशन होता है सी सी के थ्रू जो IIT आई टी जम से डिफरेंट होता है आ, मतलब दो डिफरेंट काउंसलिंग प्रोसेस होता है आई के लिए एक, एक होता है एन के लिए एक होता है तो आई का जो काउंसिलिंग का जो काउंसिलिंग के लिए जो रैंक वर्सेस आई का वीडियो बनाया था वहाँ पर मैं डिस्कस किया था टू से लेकर टू का मैं जनरल रिसर्च किया उसके बाद मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज बताया कि इसके अंदर होगा तो तुम्हें ये, ये या आई पर्टिकुलर टी ये सारे रैंक में कैटेगरी वाइज मिल सकता है यहाँ पर भी मुझे 21 का एग्जैक्ट डाटा नहीं मिला इसलिए मैं 2019 एंड 20 के रेस्पेक्ट में बना रहा हूँ एंड उसके साथ फिफ्टी ऐड किया सीट्स नंबर ऑफ सीट्स फिफ्टी एड किया क्योंकि टू थाउजेंड ट्वेंटी से लेकर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में अराउंड मान सकते हो कि प्लस ट्वेंटी प्लस माइनस ट्वेंटी होता है एंड ट्वेंटी वन से ट्वेंटी टू में इस साल और भी प्लस माइनस ट्वेंटी थर्टी होगा तो इसलिए मैं फिफ्टी एड किया क्योंकि हर साल पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में सीट इंक्रीज़ होता रहता है तो तुम्हें भी पता चलेगा सीट मैट्रिक्स जब पिछले साल से मतलब 2020 से अगर 2021 का सीट मैट्रिक्स कंपेयर करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में अराउंड थ्री टू फाइव सीट्स इंक्रीज होता रहता है तो यहाँ पर टोटल ट्वेंटी टू इंस्टीट्यूट है उसमें से ट्वेंटी इंस्टीट्यूट्स है एम एन आई टीज़ बी एन आई टीज़ एम एन आई टीज़ एन आई टीज़ ओके एंड जो टू इंस्टीट्यूट्स है वो है एस एल आई टी लॉन्गवाल और एस एल आई टी पंजाब एंड आई आई एस टी सिपुर ओके तो ये ट्वेंटी टू इंस्टीट्यूट्स में से ट्वेंटी इंस्टीट्यूट्स में केमिस्ट्री है ठीक है तो यहाँ पर मैं जो रैंक बताऊंगा ये केमिस्ट्री के लिए है तो यहां पर देखो कुछ रेंज में यहाँ पर नहीं बताया ये जो डिजिट लिखा है ये थर्ड थर्ड अप टू राउंड राउंड दैट फाइनल का जो लास्ट रैंक तक गया, मतलब जा सकता है इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा तो फाइनल राउंड काउंसिलिंग का लास्ट रैंक ये ये रैंक के अंदर अगर तुम्हारा रैंक है तो ये सारे इंस्टीट्यूट कैटेगरी वाइज देखो मिल सकता है इसके ऊपर होगा तो तुम्हारा रैंक तो चांस थोड़ा कम है ठीक है और सीट इंक्रीज होगा तो चांस थोड़ा भी इंक्रीज भी हो सकता है तुम्हारा तो देखो फास्ट यहाँ पर है एनआईटी जालंधर तो जनरल कैटेगरी में इलेवन तक ईडब्ल्यू में 1500, हंड्रेड ओबीसीएनसीएल में नाइनटीन हंड्रेड एस सी के लिए फिफ्टी फिफ्टी फाइव के लिए 6857 तक एम जयपुर का ये एम एन जयपुर जो इंस्टीट्यूट है ये एक अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है काउंसिलिंग में तो इसका रैंक भी थोड़ा कम है जनरल में 989 रैंक तक मतलब ये लास्ट रैंक थर्ड राउंड काउंसिलिंग में इसके अंदर होना चाहिए ठीक है ईडब्ल्यू में नाइन फिफ्टी वन में सेवेंटी एस सी के लिए अराउंड फाइव थाउजेंड इलेवन एस टी के लिए फाइव थाउजेंड नाइन फोर्टी थ्री उसके बाद एम एन आई टी भोपाल में जनरल कैटेगरी में फोर्टीन हंड्रेड एंड नाइनटी तक ई डब्ल्यू एस में सेवेंटीन हंड्रेड सिक्सटी एट ओ बी सी एन सी एल में टू टू थाउजेंड फिफ्टी थ्री एस सी के लिए अराउंड फाइव थाउजेंड फोर टू एस टी के लिए सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व तक एन आई टी अगरतला में जनरल कैटेगरी में फोर्टीन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स ई एस में एटीन हंड्रेड फिफ्टी फाइव ओ बी सी एन सी एल में टू थाउजेंड टू सेवेंटी सिक्स एस सी के लिए सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड एंड थर्टीन एस टी के लिए सिक्स अराउंड सेवन के आसपास उसके बाद एन आई टी ये भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट है इसका जनरल का जो क्लोजिंग रैंक हो सकता है 1200 के आसपास ई का 1411, हंड्रेड एंड इलेवन ओ का 1654, हंड्रेड सी के लिए 4438, फोर हंड्रेड के लिए 5447 तक एनआईटी आई दुर्गापुर एक अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है तो इसका भी जनरल जो कट ऑफ हो सकता है क्लोजिंग रैंक तो इलेवन हंड्रेड फोर्टी सेवन ई डब्ल्यू एस का फिफ्टीन हंड्रेड थर्टी एट ओ बी ओ बी सी एन सी एल का नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटी फोर एस सी का थर्टी फाइव हंड्रेड सिक्सटी एंड एस टी के लिए फोर्टी सेवन हंड्रेड सेवेंटी थ्री तक जा सकता है उसके बाद एन आई टी हमीरपुर तो इसके जनरल के लिए 1464 हंड्रेड सिक्सटी फोर ई डब्ल्यू एस के लिए एट हंड्रेड फिफ्टी वन ओ बी सी एन सी एल के लिए ट्वेंटी वन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स एस सी के लिए फ़िफ्टी सेवन हंड्रेड फिफ्टी सेवन एंड एस टी के लिए सिक्सटी सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी थ्री तक एन आई सूरत कल का जनरल कैटेगरी में वन थाउजेंड फोर्टी सिक्स ई डब्ल्यू एस में वन थाउजेंड फोर थर्टी टू एस ओ बी सी के लिए सेवेंटी हंड्रेड फिफ्टी एस सी के लिए फोर्टी थ्री हंड्रेड नाइनटीन एंड एस टी के लिए फोर्टी नाइन हंड्रेड एट्टी नाइन तक एन आई टी मेघालय का जनरल में सिक्सटीन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री ई डब्ल्यू एस में ट्वेंटी वन हंड्रेड सिक्सटी ओ बी सी के लिए ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड एट्टी एस सी के लिए सिक्सटी थ्री हंड्रेड फोर्टी एंड एस टी के लिए सिक्सटी नाइन हंड्रेड फोर्टी सिक्स तक उसके बाद एन आई टी सिक्किम एन आई टी सिक्किम का जनरल में सिक्सटीन हंड्रेड के आसपास ई डब्ल्यू एस का टू थाउजेंड सिक्सटी एंड ओ बी सी का ट्वेंटी फाइव हंड्रेड फोर्टी थ्री एस सी का फिफ्टी एट हंड्रेड सिक्सटी नाइन एंड एस टी का सिक्सटी थ्री हंड्रेड सेवेंटी सिक्स तक एन आई टी जामसेपुर एक अच्छा इंस्टीट्यूट है सीसीमन काउंसिलिंग में इसका भी देखो जनरल में अराउंड थर्टी हंड्रेड हंड्रेड के आसपास थर्टीन हंड्रेड एंड सेवेंटी उसके बाद ई डब्ल्यू एस के लिए सेवेंटीन हंड्रेड थर्टी वन ओ बी सी के लिए टू थाउजेंड थर्टी फाइव एस सी के लिए फिफ्टी फोर हंड्रेड एट एस के लिए सेवेंटी टू हंड्रेड के आसपास एन आई टी जो मणिपुर है यहाँ पर जनरल में सिक्सटीन हंड्रेड सेवेंटी तक ई डब्ल्यू एस में ट्वेंटी वन हंड्रेड सिक्सटी थ्री तक ओ बी सी में ट्वेंटी फोर हंड्रेड एट्टी तक एस सी में सिक्सटी थ्री हंड्रेड ट्वेंटी सेवन तक एंड एस टी एस टी के लिए सिक्सटी नाइन हंड्रेड सेवेंटी एट तक एन आई टी एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट होता है टॉप फोर में अगर सेवन काउंसिलिंग को अरेंज किया जाए तो एन आई टी राउरकला टॉप फोर में रहता है तो इसका जनरल का जो क्लोजिंग रैंक हो सकता है नाइन फिफ्टी टू ई डब्ल्यू एस का ट्वेल्व हंड्रेड फोर्टी फोर एस ओ बी सी का फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टी वन एस सी का फोर्टी वन हंड्रेड सेवेंटी एट एंड एस टी का सिक्सटी फाइव हंड्रेड एट्टी एन आई टी का जनरल में फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टी थ्री ई डब्ल्यू एस का नाइन्टीन हंड्रेड सिक्सटी थ्री एस ओ बी सी का ट्वेंटी थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव एस सी का फिफ्टी एट हंड्रेड ट्वेंटी एंड एस टी के लिए सिक्सटी सिक्स हंड्रेड फोर्टी एट एन आई टी श्रीनगर का देख सकते हो जनरल में सेवनटीन हंड्रेड एट्टी सिक्स तक ई डब्ल्यू एस के लिए ट्वेंटी वन हंड्रेड थर्टी वन तक ओ बी सी के लिए ट्वेंटी फाइव हंड्रेड सिक्सटी थ्री तक एंड इस एस सी के लिए सिक्सटी सिक्स हंड्रेड एट्टी एट तक एन एस टी के लिए रहेगा सेवेंटी थ्री हंड्रेड थर्टीन के रेंज के अंदर एन आई टी थ्री जी का देखो एन आई टी थ्री जी भी टॉप फोर हंड्रेड टॉप फोर अगर इंस्टीट्यूट सी सी एन में मैंशन किया जाए तो एन आई टी थ्री जी भी रहता है उसके अंदर तो इसका भी देखो कट ऑफ वो मतलब जो क्लोजिंग रैंक कम रहता है रिस्पेक्ट टू अदर एन आई टीज़ और भी एन आई टीज़ तो देखो जनरल के लिए एट नाइनटी एट मतलब नाइन हंड्रेड के आसपास नाइन नाइन हंड्रेड के अंदर होना चाहिए ई डब्ल्यू एस के लिए इलेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव ओ बी सी के लिए फोर्टीन हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स एस सी के लिए थर्टी सेवन हंड्रेड थर्टी थ्री एस टी के लिए फिफ्टीन नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी वन मतलब सिक्स थाउजेंड के आसपास एस टी के लिए उसके बाद नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूट है एन आई टी तो एन आई टी में दो स्ट्रीम है केमिस्ट्री के लिए एक है एनालिटिकल स्पेशलाइजेशन एक है ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन तो क्लास दोनों के एक साथ ही होता है मतलब एडमिशन होने के बाद क्लास एक्सास ही होता है लेकिन पर्टिकुलर थर्ड सेमिस्टर से जो स्पेशलाइजेशन लेना होता है तो एनालिटिकल का स्पेशलाइजेशन होता है और ऑर्गेनिक का स्पेशलाइजेशन होता है तो जो जो स्टूडेंट्स का एनालिटिकल का स्पेशलाइजेशन होता है उनका रैंक थोड़ा हायर तक जाता है क्योंकि ऑर्गेनिक का डिमांड ज़्यादा होता है तो ऑर्गेनिक का कट ऑफ कम रैंक पे खत्म हो जाता है और एनालिटिकल के लिए कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है ठीक है क्योंकि इसका डिमांड ऑर्गेनिक से थोड़ा कम है ठीक है लेकिन क्लास एक्सेस होता है स्पेशलाइजेशन के मामले में दोनों डिफरेंट है बाकी सब सारे फैसिलिटीज सब कुछ थिंक एक, एक ही है ठीक है तो एन आई ओडंगल का देखो यहाँ पर जनरल में थर्टीन हंड्रेड का फिफ्टीन हंड्रेड सॉरी ओ का 1897 तक एस के लिए अराउंड फिफ्टी वन हंड्रेड एट्टी सिक्स एस टी के लिए सिक्सटी सिक्स हंड्रेड सेवेंटी थ्री तक एन आई टी ओडंगल ऑर्गेनिक के लिए जनरल में एट हंड्रेड एंड टू मतलब अंडर नाइन हंड्रेड रैंक होना चाहिए ई डब्ल्यू एस के लिए इलेवन हंड्रेड एंड सिक्सटी नाइन ओ बी सी के लिए फोर्टीन हंड्रेड सिक्सटी टू एस सी के लिए फोर्टी फोर्टी फोर हंड्रेड एंड फिफ्टीन एन एस टी के लिए फिफ्टी थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटीन तक उसके बाद बी एन आई टी नागपुर जनरल कैटेगरी के लिए इसका कट ऑफ होना चाहिए या क्लोजिंग रैंक होना चाहिए वन थाउजेंड फिफ्टी सिक्स ई डब्ल्यू एस के लिए थर्टीन हंड्रेड एंड सेवेंटी एट ओ बी सी के लिए सेवेंटीन हंड्रेड एट्टी थ्री एस सी के लिए फोर्टी सेवन हंड्रेड सेवेंटी एट एन एस टी के लिए फ़िफ्टी थ्री हंड्रेड एंड टेन उसके बाद आई आई एस टी सिप्पुर ये भी टॉप फोर अगर इंस्टीट्यूट माना जाए सेवन काउंसलिंग में ये भी मेन मतलब उसके अंदर होता है तो टॉप फोर में कौन कौन रहेगा त्रिची राउरकेला औरंगल एंड आई आई एस टी सिपुर उसके बाद सूरत का एम एन आई टी जयपुर ये सारे इंस्टीट्यूट मैं लास्ट में बताता हूँ कि टॉप इंस्टीट्यूट के बारे में उसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाया था तुम जाके चेक कर सकते हो हमारे चैनल पर टॉप टेन एन आई टीज़ के बारे में तो ये टॉप टेन एन आई टीज अगर मिले तो एडमिशन लो अदरवाइज मेरे हिसाब से बाकी सारे जो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एडमिशन लेना चाहिए बी एच यू जे एन यू एच सी यू डी यू ये सारे इंस्टीट्यूट में तो वो मैं लास्ट में डिस्कस कर रहा हूँ अभी देखो वी एन आई डिस्कस कर दिया अभी आई आई एस टी सिपुर तो जनरल में इसका जो रैंक क्लोजिंग रैंक नाइन ट्वेंटी सिक्स के अंदर होना चाहिए अराउंड नाइन नाइन हंड्रेड के आसपास तो नाइन हंड्रेड के आसपास त्रिची राउरकेला औरंगल एंड सिपुर ठीक है तो नाइन ट्वेंटी सिक्स ई डब्ल्यू एस के लिए इलेवन हंड्रेड एंड नाइन्टी मतलब ट्वेल्व हंड्रेड के अंदर ओ बी सी के लिए फ़िफ्टीन हंड्रेड एंड फिफ़्टी फोर उसके बाद एस सी के लिए थर्टी सिक्स हंड्रेड फोर्टी एट एंड एस टी के लिए सेवेंटी फोर हंड्रेड एंड फोर्टी एस एल आई टी पंजाब में जनरल कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक होना चाहिए थर्टीन हंड्रेड एंड एट्टी सिक्स ई एस के लिए सिक्सटीन हंड्रेड एंड इलेवन उसके बाद ओ बी सी के लिए एट्टीन हंड्रेड एंड इलेवन देन एस एस सी के लिए फिफ्टी सेवन हंड्रेड रैंक के अंदर एंड एस टी के लिए सेवन थाउजेंड के अंदर सिक्सटी सेवन हंड्रेड सेवेंटी एट यहाँ पर मेंशन है तो देखो ई डब्ल्यू एस कैटेगरी जो जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए अराउंड ये मान सकते हो कि जो जो स्टूडेंट्स का रैंक टू थाउजेंड टू हंड्रेड के अंदर है ठीक है तो उन सारे स्टूडेंट्स को एटलीस्ट कुछ ना कुछ, कुछ एनआईटी मिल जाएगा जनरल कैटेगरी में जो जो स्टूडेंट्स का रैंक एट्टीन हंड्रेड या फिर नाइनटीन हंड्रेड के अंदर है उनको कुछ ना कुछ, कुछ एटलीस्ट इंस्टीट्यूट मिल जाएगा ओबीसी के लिए जो जो स्टूडेंट्स का रैंक टू या फिर टू के अंदर है उन सारे स्टूडेंट्स को भी एटलीस्ट कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट मिल जाएगा एस के लिए सिक्सटी एट हंड्रेड दट मीन सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड रैंक के अंदर है तो फिर तुम्हें कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट मिल जाएगा एस के लिए भी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रैंक के अंदर है तो फिर तुम्हें मिल जाएगा एंड पी डब्ल्यू डी में जो जो स्टूडेंट जैम क्वालीफाइडाइडाइडा है उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ आई आई टीज या फिर एनआईटीज़ मिल जाएगा तो मैं जो टॉप इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहा था तो यहाँ पर सिसमन काउंसिलिंग में टोटल ट्वेंटी टू इंस्टीट्यूट्स है उसमें से ट्वेंटी इंस्टीट्यूट्स में केमिस्ट्री है तो उसमें से जो टॉप फाइव या फिर सिक्स का नाम लेता हूँ तो एन आई टी त्रीची एन आई टी वड़ंगल आई आई एस टी शिवपुर एन आई टी राहरकेला एम एन आई टी जयपुर एन आई टी सुरतकल एन आई टी दुर्गापुर ये सारे जो जो इंस्टीट्यूट हैं एन आई टी काीघ जामशेदपुर जलंधर ये जो जो इंस्टीट्यूट्स हैं इसमें अगर तुम्हें एडमिशन मिल जाए चांस मिल जाए तो एडमिशन ले लो यहाँ पर जो मैं डिस्कस किया ये मतलब अप्रॉक्स डिटेल्स डिस्कस किया तो इसके अंदर होने का चांस नाइन्टी फाइव परसेंट है थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि हर साल चेंज होता है क्योंकि कभी सीट इंक्रीज होता है कभी सीट इंक्रीज नहीं होता सेम पोजिशन पर रहता है तो ये मान सकते हो कि आई पहले हमारे टाइम पे आई मिलता था अराउंड सिक्स हंड्रेड रैंक तक अभी आई मिलता है सेवन एट्टी टू रैंक तक पिछले साल गया था तो इस साल एट हंड्रेड रैंक तक आई मिल जाएगा तो देखो नाइनटीन से लेकर ट्वेंटी टू में अराउंड टू हंड्रेड रैंक इंक्रीज हो गया तो NITs में भी सीट इंक्रीज होते जाता है ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होते जा रहा है तो NITs में भी सीट इंक्रीज होगा तो इसलिए मैं ट्वेंटी से थोड़ा सीट इंक्रीज करके यहाँ पर सारे रैंक बताया तो इसके अंदर होगा तो तुम्हारा चांस नाइन्टी है इसके इससे थोड़ा ज़्यादा होगा तो चांस थोड़ा कम है सीट इंक्रीज होगा तो तुम्हारा भी चांस इंक्रीज होगा सो दैट्स ऑल सो इफ यू गेट इन इफॉर्मेश फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज इट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स दट कैन हेल्प योर फ्रेंड्स ऑसो एंड गिव सम इंपॉर्टेंटेंटेंटेंटेंट इन्फॉर्मेश्स एंड अपडेट्स ऑल्सो और अगर तुम्हें ये जो टॉप इंस्टीट्यूट का नाम लिया टॉप टेन इंस्टीट्यूट्स उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए जाकर चेक कर सकते हो ये इंस्टीट्यूट के बाद वाले जो 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 इंस्टीट्यूट है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक नहीं है ठीक होने में टाइम लगेगा ऐसे नहीं कि नहीं होगा टाइम लगेगा क्योंकि न्यूअर इंस्टीट्यूट्स है तो इसके अलावा तुम जो जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जो ऑलमोस्ट जो मीडियम लेवल आईआईटी से भी अच्छा है जैसे एच सी यू बी एच का कुछ यूनिवर्सिटीज़ जादवपुर यूनिवर्सिटी कलकाता यूनिवर्सिटी पांडिचेरी यूनिवर्सिटी पुणे यूनिवर्सिटी पंजाबी यूनिवर्सिटी ठीक है ये सारे इंस्टीट्यूट में तुम ज्वाइन कर सकते हो तो मेरे सजेशन यही रहेगा तो ट्राई करना टॉप टेन एन और आई में एडमिशन लेने के लिए एंड बाकी सारे थिंग्स तुम्हारा डिसीजन है खुद से लेना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर तुम्हारा है लाइफ तुम्हारा है फाइनल डिसीजन सबसे सजेशन लो लेकिन फाइनल डिसीजन तुम्हें खुद से लेना चाहिए सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सी इन द नेक्स्ट वीडियो